और सैनिक और राजा में फर्क नहीं करती, तो जाना है तो मेरे अपने आप का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे युद्ध जीतना है, इसलिए मैं ऐसी व्यवस्था में इस स्थान पर खड़ा रहूंगा कि मैं अपने आप को बचा के युद्ध जिता के ले जाऊं। पुतली से कहा था मेरा उत्तर पूरा हो गया, आपका क्या मत है? पुतली ने कहा बस आप फेल हो गए। उन्होंने कहा मैंने क्या गलत बोला? तो बोले विक्रमादित्य अगर ये होते तो विक्रमादित्य वो क्या करते, उनका जवाब बता दो। बोले आपने कहा कि मैं इसी जगह खड़ा रहूंगा जहाँ हथियार मेरे पर असर नहीं डाल पाए, इसका मतलब आपके मन में कायरता आ गई, आपके मन में डर आ गया, वो जहाँ डर है वहां विक्रम हो ही नहीं सकता, इसलिए आप विक्रमादित्य के बराबर नहीं हो सकते। ये उस समय का उनका जवाब। विक्रमादित्य का मतलब ये मौत अगर आना है तो सात ताले में आ जाए, इसलिए मौत का भय जिसको जीवन भर कभी रहा ही नहीं उसका नाम विक्रम। और सही अर्थ में विक्रमादित्य तो एक उनके खुद के लिए भी उनका नाम तो सहसान था, विक्रमादित्य तो उनको उपाधि दी गई जो विरुद्धार्थी क्रम को सुक्रम में बदल दे वो विक्रम होता, इसलिए उस काल में उपाधि के नाम से उनको जाना गया था। और ऐसे में ये सैनिक स्कूल की हमने खास करके विद्यावारिणी ने जो नया अंकुर आज नया संकल्प लिया है तो मैं यहाँ बधाई देना चाहूंगा। और एक और बात खास बात की मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपके केवल यही नहीं और भी ऐसे स्थान पर आप जहां जहां खोलना चाहोगे आपके लिए मध्यप्रदेश सरकार पलक पावड़े बिछा करके मदद करने के लिए तैयार रहेगी। आज के बदलते दौर में अगर हम अगर ये नहीं कर पाए तो कब कर पाएंगे? और विद्या भारती ने पूरे देश में तो क्या दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, पूरे देश में दो विश्वविद्यालय, ऐसे हजारों हजार अपने विद्यालय और शासन की व्यवस्था में एक तरह से आप मदद कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये जो ज्ञान अर्जन के मंदिर के नाते से जो विद्यालय की जो अपने विद्यालय की पहचान है आज के दौर में तो उसकी महत्व ज्यादा बढ़ गया है। वर्तमान के दौर में नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से विद्या भारती के विद्यालय और विद्या भारती का पूरा ये विद्याध्ययन अध्यापन का जो क्षेत्र है परमात्मा करे और बढ़े और शासन और बाकी व्यवस्था में समाज में भी एक विशेष स्थान हमने विद्या भारती के माध्यम से बड़ा बनाया है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ और एक नए विद्यालय के प्रारंभ की शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद।